हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 1 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साइंस में, जो कि केमिस्ट्री का भी आपका फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। लास्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखा था, जिसमें कि हमने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। जिस भी अभिक्रिया में आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट को अगर आप हीट दे रहे हैं या हीट देने पर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है, तो वो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है उसे। वहीं पर ठीक इसके विपरीत, अगर उत्पाद के साथ कुछ अमाउंट में आपकी हीट भी रिलीज हो रही है या उत्पन्न हो रही है ऊष्मा, तो उसे आप ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात की थी, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद में आपको एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस बनते हुए दिखता है, जिसे कि प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप कहते हैं। तो जहां जहां जिन जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होगा, उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। इसके उदाहरण भी आपने देखे थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम लोगों ने बात की थी, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब भी आपका कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और उत्पाद के रूप में लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके आपने एग्जाम्पल भी देखे थे। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, एक बार क्विक रिवीजन लेंगे आपकी सभी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन का। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, यहाँ चैप्टर फर्स्ट में आपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। एक बार सभी रिएक्शंस को हम क्विक रिवाइज कर लेंगे। कितनी रिएक्शन? 11 टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पर हमने देखी थी। ठीक है, आपके पास यहाँ जो आपके सिलेबस में है, बुक में है, वो कुछ ही टाइप की रिएक्शंस हैं, जिनमें कि आपका कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, जिसको आप वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन और वियोजन, ये दो अभिक्रियाएं हैं। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स। ठीक है, ये सारी अभिक्रियाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगी ही आएंगी। जब भी आपका एग्जाम होगा, इनका आपको एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, या किन्हीं दो अभिक्रियाओं के बीच में अंतर पूछ सकते हैं कि आपका कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है, दोनों का एग्जाम्पल भी दीजिए। चूंकि आप इनको बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा कि आप आंसर किस प्रकार से लिखेंगे इसका। ठीक है, आगे की जो चार रिएक्शन है, ये हम इन्हीं के अंतर्गत कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन इनको पढ़ना भी आपका आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है। न्यूट्रलाइजेशन को आगे अभी जब हम एसिड और बेस का चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया था, एनए और सीएल मिलकर के एनएसीएल का निर्माण कर रहे हैं, वहीं पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ जुड़ करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड्स इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जहां पर आपका एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे कि आपके पास एक अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट था और वो वियोजित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इस प्रकार से दो आपके उत्पाद बन रहे हैं, तो इसको आपका वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया, जहां पर एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इसका आपको इसको क्या कहा जाता है, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल भी है, जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, दैट्स वाई जिंक ने क्या कर दिया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्लियर? इसके अलावा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहां पर आपका यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन
टू कंपाउंड्स, तो उसको आपका क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहां पर कि आपका आयन के एक्सचेंज के बाद नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। जैसे आपने कहा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया अगर सोडियम सल्फेट से की जाएगी तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपको प्राप्त होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात की थी, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही होगी, हाइड्रोजन हट रही होगी या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसे आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के बाद आपका CuO बन रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। इसके अलावा मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी, ये भी क्या है आपका, इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखे। ओके, नेक्स्ट आपका रिडक्शन रिएक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया जिसे कहा जाता है। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया क्या है, जहां पर आपका हाइड्रोजन जुड़ रही होगी, हाइड्रोजन का संयोग होगा, O2 का ऑक्सीजन का वियोग होगा, या फिर आप क्या कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो वो आपका क्या है, रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया है। तो आप कहते हैं कि CuO को आपने लिया है, उसमें हाइड्रोजन डाली है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट रही है कॉपर से, तो ये आपका क्या है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम का एग्जाम्पल आप लेते हैं, जहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ऑक्सीजन से जुड़ करके, तो वहां पर क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे दिख रहा है, तो आप क्या कहते हैं, ये भी आपका रिडक्शन का एग्जाम्पल भी हो सकता है। इस प्रकार से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आएंगे, रिडक्शन के अंतर्गत आएंगे, यानी अपचयन। ओके, इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन की बात की, अभी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो आपकी रेडॉक्स के अंतर्गत आती है। ओके, चलिए, रेडॉक्स के आपने एग्जाम्पल देखा, Mg+O2, MgO मैंने आपको बताया था, इसमें ये ऑक्सीडेशन में भी है, रिडक्शन में भी है, चूंकि दोनों हो रहे हैं तो रेडॉक्स का एग्जाम्पल होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो आपकी एंडोथर्मिक होगी। जैसे कि आप अगर अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अमोनिया को हीट देनी पड़ेगी, और अमोनिया हीट एब्जॉर्ब करके डिसोशिएट होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जब भी आप अमोनिया का ठीक विपरीत कर लीजिए, यानी अभी पहले आपने अमोनिया को डिसोसिएट किया या वियोजित किया, आप कह रहे हैं यहाँ पर आप अमोनिया को बनाएंगे, फॉर्मेशन देखेंगे उसका, क्योंकि वहां पर आपने हीट दी थी तो यहाँ पर हीट उत्पन्न होगी यानी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो आप कहते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो अमोनिया बनती है और साथ ही साथ आपका ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा आपने दो और एग्जाम्पल देखे कि प्राकृतिक गैसों का अगर दहन होता है तब भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अगर रेस्पिरेशन को देखते हैं यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में, जब भी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जैसे ग्लूकोज है उसका दहन होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा वहां पर बनती है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात की थी, ऐसी अभिक्रियाएं जहां पर आपका कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो कि व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा वो फॉर्म हो रहा है, तो उसको आपका क्या कहा जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है अभिक्रिया में, तो इसको क्या कहा जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देखा था अवक्षेपण अभिक्रिया का, जैसे कि जो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट में एग्जाम्पल देखा था वही एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। सोडियम सल्फेट और आपका बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो अवक्षेप का निर्माण किसका हो रहा है, जब भी बेरियम सल्फेट हो रहा है बन रहा है तो वो आपको प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लास्ट टाइप की रिएक्शन थी आपकी, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार आपस में मिल करके लवण और जल बनाते हैं तो उनको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें आपने दो एग्जाम्पल्स भी देखे थे, एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपका NaCl और H2O बना रहा है, दूसरा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके KNO3 और H2O बना रहा है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आपने इतना अच्छे से रिवाइज किया होगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी तो आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। आज के सेशन का नया टॉपिक है कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन के बारे में आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, 7th 8th में आपने मेटल के बारे में पढ़ा, यानी धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, ठीक है। आप सिंपली कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी लोहे का कोई भी सामान था, कोई ऑब्जेक्ट था जो आयरन से बना हुआ था, ठीक है। आपने कहा एक लोहे का बॉक्स था, जैसे यहाँ पर आपको एक लोहे का टूल दिख रहा है, ये लोहे से बना हुआ है,
और हम कहते हैं इसको हम कुछ समय के लिए ऐसे ही, जैसे आप मार्केट से आपने खरीदा लोहे का कोई सामान, उसको आपने ऐसे ही खुले में छोड़ दिया। खुले में छोड़ने पर आपका क्या होगा, जब भी आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो, जैसे अभी आप क्लासरूम में बैठे हो, तो आपके आसपास क्या है, आपके आसपास हवा है, ठीक है। उस हवा में क्या क्या है, बहुत सारी प्रकार की गैसें हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है और अन्य अन्य प्रकार की गैसें हैं, उनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। आप परसेंटेज बताते हैं कि सबसे अधिक नाइट्रोजन है, देन आप ऑक्सीजन बोलते हो, फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो, लेकिन सभी गैसेज हैं। हम सांस ले रहे हैं क्लासरूम के अंदर, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन विद्यमान है। तो यहीं पर आप उस टूल को लेकर अगर आ गए हैं और आप कह रहे हैं, चूंकि यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर है हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है, और क्या है हमारे आसपास, हमारे आसपास नमी भी होती है, ठीक है। अभी गर्मियों का समय आ रहा है तो नमी कम हो जाती है, लेकिन अगर सर्दियों की बात करें या बरसात में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है एनवायरनमेंट में। और हम कहते हैं कि सपोज जैसे ये आपको दिख रहा है जो टूल यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, ये सपोज पानी में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, H2O भी है यहाँ पर, वॉटर क्या होता है आपका, H2। तो आप क्या देखते हैं कि जो लोहे का आपका सामान था, कोई भी आपका आयन का ऑब्जेक्ट था, वो ऑक्सीजन के संपर्क में भी आ रहा है, क्योंकि आपने उसको खुले में छोड़ रखा है, और उसमें सपोज पानी भी गिर रहा है कभी कभी, तो यानी वो H2O के कांटेक्ट में भी आ रहा है। तो दोनों के संपर्क में आने पर आप क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद इसकी जो ऊपर की सरफेस होती है, ये वाली ऊपर की जो सतह होगी, ये आपका कुरोड होना स्टार्ट कर देती है, यानी इस पर क्या लग जाता है बच्चे, इस पर लग जाता है जंग, ये वाली सतह जो है, इस पर क्या लगना शुरू हो जाता है, मैंने कहा जंग लगना शुरू हो जाता है। तो जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रम में आपका, हमने लोहे का उदाहरण लिया है, लोहे के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का आपका कोरोजन हो सकता है, किसी भी आपके मेटल का कोरोजन हो सकता है। सिल्वर के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हमने काला होते हुए देखा है, तो कालापन जो उसमें आ रहा है उस पर भी जंग लग रहा है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो। और आप लोगों ने तांबे के बर्तन देखे होंगे घर पे, तांबे को आपने ग्रीन कलर की लेयर चढ़ते हुए देखा होगा, यानी उसमें हरे रंग की एक परत आती है, तो वो क्या हो रहा है, वो तांबा भी ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, ठीक है। यानी उस पर रस्ट की एक लेयर आ रही है, जंग की लेयर आ रही है। अब कोरोजन और रस्ट दो टर्म आ रहे हैं, एक आ रहा है संक्षारण और एक आ रहा है जंग। तो जंग क्या है, जंग वो पदार्थ है जहां पर, हमने यहाँ पर आयन का एग्जाम्पल लिया, लोहे का एग्जाम्पल लिया ना, कि लोहे का ये टूल है, तो टूल किससे बना हुआ है, लोहे से। लोहा जब ये ऑक्सीजन और वाटर से अभिक्रिया कर रहा है तो जंग जैसा पदार्थ बना रहा है, जो आप क्या कहते हो, कभी कभी आप अलग अलग प्रकार के बर्तन में ऐसे ब्राउन कलर की भूरी भूरी सी एक पतली परत चढ़ते हुए देखते हो ना, तो वो क्या है, वो जंग है। और संक्षारण क्या है, संक्षारण वो प्रक्रिया है जिसमें आपका जंग बन रहा है, समझ गए। संक्षारण एक प्रक्रम है जिसमें जंग बन रहा है, और जंग क्या है, जंग आपका वो है जो लोहा या फिर कोई भी आपकी धातु ऑक्सीजन और वाटर से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक भूरी कलर की धूसर परत जो बना लेती है, वो रस्ट है, यानी कि जंग, ठीक है। सो कोरोजन की बात कर रहे थे, तो ये जो टूल आपने रखा हुआ था, आपने कुछ समय के बाद देखा इसमें रेडिश ब्राउन कलर की, लाल भूरे रंग की एक पतली से परत बन जाती है, और आप क्या देखते हैं, ये धीरे धीरे आपके पूरे ऑब्जेक्ट को खराब करने लगती है। आपने अपने आसपास कई चीजें देखी होंगी, लोहे की बर्तन देखे होंगे, धीरे धीरे उन पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ये खराब होने लग गया। खराब क्यों होने लग गया है, क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे, जो कि कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगर किसी पर आपका लोहे पर जंग लग गया है, तो अभी आप वापस उस जंग से वो लोहा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। जंग आपका एक नया पदार्थ है, लोहे से जंग बन गया है, और कैसे बना है, जब लोहे ने ऑक्सीजन और वाटर से अभिक्रिया की, क्लियर है इतना। सो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस, ओके, बार बार ध्यान में रखना है। संक्षारण क्या है, संक्षारण एक प्रक्रम है, और जंग क्या है, जब जंग की बात करो रस्ट की, तो वो एक न्यू सब्सटेंस है, नया पदार्थ है, ओके। सो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप मेटल्स बाय गैस एंड वॉटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट एक्सेट्रा,
क्या कहा गया बच्चे कि कोरोजन आपका एक, पहली बात है कोरोजन आपका एक प्रोसेस है, और क्या है, ऑफ स्लोली ईटिंग अप, यानी कि धीरे धीरे जंग लगता है। ऐसे नहीं होता है कि आप आज लोहे का कोई सामान खरीद के लाए, आज आपने उसको बाहर खुले में छोड़ दिया, आपने उसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया और सुबह आप देखो तो उस पे जंग लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। जंग एक स्लो प्रोसेस है, यानी बहुत धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे जंग लगता है। ओके, बाय गैस, जैसे हमने ऑक्सीजन बोला कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, एंड वाटर वेपर, यानी कि हमने H2O की बात की, वाटर वेपर क्या है, जो आप स्टीम की बात करते हो, प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, जो कहाँ है, हमारे वातावरण में पहले से उपस्थित है। अगर हमें थोड़ा थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारे आसपास क्या है, हमारे आसपास पानी की बूंदे हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो वाटर वेपर्स के रूप में है। द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, या तो आपका ऑक्साइड का निर्माण हो रहा होगा, सल्फाइड्स का, कार्बोनेट का। अब ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट क्या है, ये वही है रस्ट जिसे आप बोल रहे हो, जंग जिसे बोल रहे हो, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, संक्षारण एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें कि कोई भी जो आपकी धातु है वो धीरे धीरे क्या क्या हो रही है, खराब हो रही है, और कैसे, गैस के यानी ऑक्सीजन के और वाटर के संपर्क में आने पर ये ऑक्साइड्स का यानी कि रस्ट जैसे पदार्थों का, नए पदार्थों का निर्माण कर रही है, ठीक है। अब रस्ट क्या है, सो कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। अगर हम आयरन के रस्टिंग की बात करते हैं कि अगर लोहा है, लोहे का संक्षारण हो रहा है, तो लोहे पर क्या लग रहा है, जंग लग रहा है। लोहे के लिए आप नॉर्मली जंग का यूज करते हो, जब भी मैंने आपको पीतल का, चांदी का उदाहरण दिया, मैंने आपको समझाने के लिए जंग बोला, लेकिन उस पे जंग नहीं लगता, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक परत चढ़ रही है, लेकिन कोरोड हो रही है सरफेस, यानी कि खराब हो रही है उसकी सतह। व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, दैट इज वॉटर, अ रेडिश ब्राउन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड रस्ट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जब आपका लोहे का टूल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो क्या हो रहा है उसका, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या है आपका, वाटर, उससे अभिक्रिया कर रहा है, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो रही है, यानी रेडिश ब्राउन कलर का, लाल भूरे रंग का कोई पदार्थ उसमें बन रहा है, और वही आपका क्या है, रस्ट है, ठीक है, वो क्या है, जंग है। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, ये लोहे का ऑब्जेक्ट है सपोज, और इसमें आपने कहा इसमें ये ऑक्सीजन के संपर्क संपर्क में आया, वाटर के संपर्क में आया, और इसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ गई है, वही परत क्या है, जंग है, बस समझ गए इतना। तो ये कोरोजन हो गया, यानी कि संक्षारण आपका क्या है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट आदि जैसे कुछ यौगिकों के निर्माण के कारण वातावरण में मौजूद गैस और जल वाष्प द्वारा धातुओं को धीरे धीरे खाने की प्रक्रिया को, या धातुओं को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। जंग लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है। जब लोहा नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो लोहे की सतह पर लाल भूरी परत बन जाती है, जिसे जंग कहा जाता है। क्लियर, चलिए नोट करिए, संक्षारण की एक और परिभाषा लिख लेंगे। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, अम्ल की वजह से भी आपका कोरोड हो जाती है सरफेस, जैसे आप कहते हो कई बार एसिड गिर गया तो वो चीज खराब हो जाती है ना, तो खराब होना ही बेसिकली आपका संक्षारण है। ओके, अम्ल हो गया, गैसों की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ब्रैकेट में O2 लिख लेंगे, और H2O की बात कर रहे हैं, यानी कि वाटर, नमी जिसे आप कहते हैं, आर्द्रता भी कह सकते हैं। के संपर्क में आती है, तब यह संक्षारित होती है।
ठीक है, क्या समझे इससे? यानी कि कोई भी जो धातु है, धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास जो भी उसके एनवायरनमेंट में है, एटमोसफेयर में है, अम्ल हो गया या फिर कोई गैस जैसे कि ऑक्सीजन की बात करें, H2O के संपर्क में आएगी और ये संक्षारित हो जाती है, यानी इसकी ऊपर की सरफेस खराब हो जाएगी, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहेंगे, ठीक है। चलिए नोट करेंगे और इसको अलग से नोट करेंगे, खाने या समाप्त करने के। चलिए, जब लोहे का संक्षारण होगा यानी लोहे की ऊपर की सतह खराब हो जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा? जंग लगना कहा जाएगा, ठीक है। और ये लोहा कैसे जंग लग रहा है लोहे पर? लोहा जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा है और नमी के संपर्क में आ रहा है, जिससे उसकी जो ऊपर की सतह है, सतह क्या है मतलब जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला जो उसका पार्ट है, लेयर है जो उसकी, उस पर एक परत जम जाती है लाल भूरे रंग की, और इसी को आपका क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। इसको इस प्रक्रिया को जिसमें लाल भूरे रंग की परत बनेगी उसे क्षारण कहा जाएगा और इस परत को उसे जंग कहा जाएगा, ठीक है। आप जंग लगने से कैसे बचाते हो किसी भी चीज को वो हम सीखेंगे, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक बार टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को दोबारा रिवाइज किया और साथ ही संक्षारण के बारे में पढ़ा, जो कि एक प्रक्रिया है। इसमें भी आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जहां पर आप क्या कह रहे हैं, कोई धातु जो है वो दूसरे अन्य सब्सटेंसेस से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। GIC गैर खेत के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, यशपाल और मनीष ने बहुत अच्छे से आंसर किया, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। सभी बच्चों को ऐसा ही कॉन्फिडेंस दिखाना है और आंसर करना है। सही गलत बाद में हो जाता है, पहले आपको आंसर करना है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर करना होता है, ठीक है। आने वाले सेशन में संक्षारण से बचने के उपायों के बारे में बात करेंगे, विकृत गंधिता को समझेंगे, साथ ही कुछ और नए टॉपिक्स की बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।